vurdu. Hem aldı hem de böldü. Benito, congratulations. इधर आओ. दोनों काम हो जाने चाहिए. जी सर. Son bizi bulur, aşk alır, hep yeri verir. Sen beni bulunca gün olur da. पता है तुम्हें, ये फार्म हाउस इतना अच्छा है. मैं सोच रही थी एक सेल्फी ले. चलो यहाँ सेल्फी लेते हैं. हाँ हाँ ठीक. तुम अपना हाथ हटा दो. इस तरह फोटो लेते हैं. अच्छा तुम्हारा मैं खड़ी हो जाती हूँ. क्या ही? तुम प्रेग्नेंट हो या तुम्हारी बीवी? जाओ अपना काम करो. तो ये कितने हेक्टेयर्स है? लगभग 10 हेक्टेयर्स है. और इरिगेशन सिस्टम का कुछ है क्या? उसका इंतजाम हमने पहले से ही कर रखा है. ठीक है, मिलकर खुशी हुई. मिलकर खुशी. फिर मिलते हैं. ओके बाय बाय. आपका काम हो जाएगा. इस बारे में किसी को बताइएगा मत. आप टेंशन मत लीजिए. कैसी हो? ठीक हूँ. तुम्हारी पार्टनर्स के साथ मीटिंग नहीं है? नहीं, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है. वैसे मेरे पास एक सरप्राइज है. मेरे पापा को सरप्राइजेस पसंद नहीं है. तुमने बात कर ली? वैसे सब कुछ क्लियर है ना? सारे पार्टनर्स के आइडियाज मैच होना जरूरी नहीं है. हम एक अग्रीमेंट में भी आ सकते हैं. मुझे नहीं पता कि बुलंद के साथ उनकी पार्टनरशिप कैसी थी, लेकिन मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा कीमती होंगे. तुम मेरे पापा के खिलाफ जाओगे? अगर मैं सही हूं तो क्यों नहीं जाऊंगा. सुहान से तुम्हारी बनती है ना? अच्छे हैं, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं आप? लगता है मुझसे आजकल कुछ नाराज चल रही है. मिसेज अदालत की वजह से? मतलब मेरे दिमाग में तो वही आया. नहीं, लगता है किसी और ने उसके कान भरे हैं. और वो कौन है? शायद किसी पागल ने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में उसे बताकर उसे कंफ्यूज कर दिया है. अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं पापा. मुझे लगता है तुम ही हो. अगर कोई और होता तो मैं उसके साथ यहां पर बैठता? अगर आपने इतने सारे झूठ नहीं बोले होते तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती. अब समझ में आया, कुछ तो खिचड़ी पक रही है. क्या बताया उसे? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन सुहान को पता चल गया है कि आपने फैमिली के बारे में उसे झूठ कहा. ये लो पापा, आपने उससे ये सब क्यों छुपाए रखा? आप उसके सामने जाओ और सब कुछ बता दो. आखिर क्या हो जाएगा सच बोलने से? तुमने उससे क्या बोला? तुमने सच बता दिया उसे? मैंने उससे कुछ नहीं कहा. वो बहुत सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया. अगर आपने अब मुझे और गुस्सा दिखाया तो मैं जाकर उसे हसन कारहासन ग्लू के बारे में सब कुछ बता दूंगा. Thank you.
सब लोग कहाँ पर है? मिस्टर कुरान और मिस चाहिदे अपने रूम में डिनर कर रहे हैं और मिस्टर तासीन और मिस सुहान बाहर गए हैं। मतलब मैं घर पर अकेली हूँ? एक बार भी नहीं, उस आदमी ने मुझसे आज तक एक बार भी अच्छे शब्द नहीं कहे, एक बार भी नहीं। हाँ बस एक बार ही वो मुझसे खुश हुए थे जब उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। मुझे तो वो बेवकूफ ही समझते हैं। उनके मुताबिक तो मैं ना कभी किसी काम का था और ना कभी इस पूरी जिंदगी में बन पाऊंगा। माय लव, तुम अपने पापा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, वैसे ही हैं वो, पर वो जरूर तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनके इकलौते बेटे हो। रहने दो चाय दे, तुम इसे प्यार समझती हो? क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम अलग हो। मेरा मतलब तुम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तुम मॉडरेट हो, तुम ज्यादा कंपैशनेट हो, तुम मेरी बात का मतलब समझो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कमजोर हो, पर वो तुम्हें चिड़चिड़ा समझते हैं इसलिए गुस्सा हो जाते हैं। मतलब तुम्हें भी वो सही लगते हैं? अरे नहीं कोरहान, मैंने ऐसा कहा क्या? हाँ सुनो, इधर आ, मेरी तरफ देखो, देखो ना, सुनो मेरी बात। तुम जाफर कोलुदा के पापा हो, सुना तुमने? इसे महसूस करो। तुम इस पूरी जायदाद के मालिक हो। तुम्हें याद है पापा ने क्या कहा था? जो बच्चा पहले आएगा उसे बड़ा शहर मिलेगा। I'm so sorry, Miss Chaide, पर आपकी बीमारी की वजह से आप माँ नहीं बन सकती। हमने कितने साल इस पल का इंतजार किया है। लगता है तुम्हारा भाई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, कोई काम उससे ठीक से नहीं होता। ऐसा मत कहिए पापा। ऐसा ही कहना पड़ेगा। मैं जब स्विट्जरलैंड से वापस आऊंगा तो कंपनी के जो शेयर मेरे नाम पे हैं वो तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। पर मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी कुरहान। लेकिन डॉक्टर, 3 महीने कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई गलत कमी है, एक बार फिर से चेक करें। नहीं, तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट हो, तुम अबॉर्ट नहीं कर सकती, बहुत लेट हो गया। आई एम सॉरी। ठीक है डॉक्टर, मैं किसी और को ढूंढूंगी, वैसे भी ये हॉस्पिटल मुझे पसंद नहीं। इतना सब कुछ हुआ पर हमने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। पापा कल आ रहे हैं, हम सब साथ में रहेंगे। मेरे पापा कल आ रहे हैं, इससे अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है? हमने इंतजार किया और उसका नतीजा सामने है, हमारा बेटा आने वाला है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, हमें और क्या चाहिए कुरहान? मैं चाहती हूँ तुम बस खुश रहो हनी। तुम्हें नहीं पता चाहिए, वो जो कुछ भी है तुम उसके बारे में मत सोचो। ओह बेबी कुरहान, प्लीज प्लीज पापा को जाकर सॉरी बोलो, प्लीज। ठीक है, सुहान को अपने आप से आगे मत जाने दो। लेकिन सच तो ये है कि सुहान पहले से ही मुझसे बहुत आगे है। वो जो भी हो तुम उससे ज्यादा दिमाग लगाओ, प्लीज बेबी। पापा जो चाहते हैं जनरल मीटिंग में बिल्कुल वैसा ही करना कुरहान, प्लीज।
कर रही हो? हाँ। जब तुमने मुझे इनवाइट किया, मुझे लगा तुमने फिर से एक रोमांटिक डिनर का प्लान किया होगा। सॉरी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर बात यह है कि मेरा काम ही खत्म नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम कितनी खूबसूरत हो। आजकल मैं अच्छे से सो नहीं पा रही। मेरे बारे में सोचती हो? हाँ, मुझे तुमसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। मुझे भी करनी है। ये अब तक मेरे पास है, तुमने ली नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुद सही वक्त पर इसे अपने आप मेरे सामने पहन लोगी। क्या वो वक्त आ गया है सुहान? बुलंद, इसे और डिफिकल्ट मत बनाओ प्लीज। देखो, मैं तुम्हें ये रिंग वापस लौटाना चाहती हूँ। आदमी कैसे दो बार उसी खाई में कूद सकता है? हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या सब सीजर की वजह से? नहीं, इसकी वजह सीज़र बिल्कुल नहीं है। अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे ये सब समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ। देखो बुलंद, तुम्हें बस तुमने मुझे पहले ही दोस्त बोलकर परेशान कर दिया है। अब आगे कुछ मत बोलना, ठीक है? अभी तो मैं इसे लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये आपके लिए है। ओ, बहुत अच्छा है। और ये भी। वाह, ये सब आपके लिए है। ओ, बहुत प्यारा है। सच बताइए आंटी, आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। ओ, मैं बहुत खुश हूँ। किमाल, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। ओहो, तुम लोग आ गए। हेलो मिस्टर सीज़र, कैसे हो? ठीक हो, आप कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया मिस्टर सीज़र। हमने भी तुमको बहुत मिस किया। सीज़र, देखा तो? ओह, क्या क्या सुंदर चीजें सरीन लेकर आई है आपके लिए, दिखाइए। कलर भी कितना अच्छा, आपका फेवरेट है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। मिस्टर सीज़र, हम आपके लिए भी लाए हैं। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? आपने जितना हमारे लिए किया उसके कंपैरिजन में तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है। वाह,
बहुत ही अच्छा है। देखिए मॉम ये क्या लाया है मेरे लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे लिए ये लेकर आया। थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई गिफ्ट सोचना बहुत डिफिकल्ट था। देखा है ना, अच्छा लगा। मैंने कहा था ना तुमसे। वो छोड़ो, तुम्हारा सफर कैसा था वो बता। हाँ बहुत सारी जगह घूमे। ये हमारा एक साथ पहला ट्रिप था, हमने बहुत मजे किए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ घूमने की इतनी अच्छी अच्छी जगह है। वहाँ पर बहुत ठंड थी पर हमने संभाल लिया। और मिसेस फ्यूजन आप तो इतनी अच्छी लग रही है, हमने जब इन्हें लास्ट देखा था तब से तो ये और भी जवान लग रही है। हाँ मेरी मॉम वैसे भी प्रिंसेस हैं और जब से वो इस घर में आई हैं वो और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं, है ना मॉम। और नर्सेस के साथ भी अच्छे से रह रही हैं। हाँ सुहा ने कहा था कि वो कई बार आई थी। हाँ, आई थी पर वो घर पर तभी होती है जब मैं नहीं होता। क्यों, आप दोनों का झगड़ा हुआ क्या? सरीन रुको ना। नहीं हम बस कभी मिल ही नहीं पाए। अरे इन्हें ये कैसे पता? सुहान ने सिखाया। अब हम भी सोने से पहले रोज ये गाना गाते हैं। नोरा नाटी की लोरी है। नहीं नहीं सुहान की है। ओ मिसेस फ्यूजन आप कितनी स्वीट हैं। आपको सुहान चाहिए ना, मैं उसे बुलाती हूँ, कल ही बुलाती हूँ उसे, फिर हम साथ में मिलकर गाएंगे। इनके सोने का वक्त हो गया है प्लीज। ओ अच्छा ठीक है, आप सोने जा रही हैं, चलिए साथ में चलते हैं। इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं ले जाऊंगी। अरे क्यों, मैं आ गई हूँ तो मैं ही रखूंगी। चलिए चलिए उठिए आ जाइए। आलमा üzülme hep gözün yüzün unutma sevgiyle savrulur hüzün. ये बताओ किसे बेचा तुमने ये? मैंने बस बेच दिया, क्या करेंगे आप? मार दूंगा। बताओ किसे बेचा, कैसे बेच दिया ये? बताओ किसे बेचा, किसे बेचा? बताओ बताओ। पापा पापा ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसे। तुम इसमें मत पड़ो, जाओ यहाँ से। कैसे ना पढ़ू, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? इसने जमीन किसी और को बेच दी जो मुझे बेचने वाला था। इसने मुझे धोखा दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धोखा तो तुमने दिया और मुझे धोखेबाज कह रहे हो? चुप हो जा। छोड़ो छोड़ो उसे, मैंने कहा जाने दो उसे। जली छोड़ो उसे। क्या आप लोग इस तरह से बिजनेस करते हैं? ऐसे होता है बिजनेस? मैंने कहा ना बीच में मत पड़ो। मिस्टर तासीन आप कार में बैठ जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप क्या संभालेंगे मिस्टर सली, क्या संभालोगे? तुम ठीक हो ना? ये कह रहे थे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मुझसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं ये सब। तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई? वो इसीलिए क्योंकि मुझे कायदे कानून अच्छी तरह से पता है। उसे अपनी जमीन को जबरदस्ती नहीं बेचना था। सुहान तुम घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे बिजनेस में क्यों टांग अड़ा रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बस उसी प्राइस में खरीदा जो डिजर्विंग था। क्या? सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, उसने बहुत सारे जमींदारों के एग्रीमेंट्स खुद के नाम पर करवा लिए। अगर आप कल तक थोड़ा सा सब्र करते तो मैं कल तक कंपनी का नाम डिक्लेयर कर देता, पर अगर आपको यह तरीका सही लगता है तो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नियाजी, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, मैं तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगा। सली इसको पुलिस स्टेशन भेजो। हाँ सली इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ ताकि ये मेरे पापा के खिलाफ कंप्लेन कर सके और मैं विटनेस बनूंगी। वो तो मैं भी हूँ। सुहान गाड़ी में बैठो। सुहान मैं तुमसे कल मिलूंगा मिस्टर सीसे, 9 बजे कंपनी में या फिर प्रोसिक्यूटर के रूम में भी मिल सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। आज मैंने आपका एक अलग चेहरा देखा,
पता नहीं और कितने चेहरे हैं आपके। चलो तो मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। पहली बार आज मैं चैन की नींद सो सकूंगा। दरवाजा खुला है। शीरीन तुम कैसी हो, कब वापस आई? जैसे ही उठी मैं तुम्हारे पास आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। मैं सोच रही थी कल रात ही मिलने आ जाऊं, पर जैसे ही मुझे पता चला। अरे सुहान, तुम रो क्यों रही हो? मत रो, क्या बात है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर सीजर भी तुम्हारे लिए परेशान थे। मैंने पापा से लड़ाई कर ली। मॉम भी पापा से बात नहीं कर रही, लेकिन पापा मिस्टर तासन के साथ बंधे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनके खिलाफ जा सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। किसी को तो ये कहना पड़ेगा ना शिरीन। सुहान आ रही हूँ। प्रे करना कि आज का दिन बिना किसी प्रॉब्लम के गुजरे। रहने दो, मुझे तो लगता है आज का दिन भी खराब ही जाने वाला है। कुरहान प्लीज, जो भी मैंने कहा था याद रखना, ठीक है? गुड बाय मिस्टर कुरहान, हैव अ नाइस डे। ये कौन है? चाहिदे की प्रेगनेंसी कोच। हम भी आज टाउन में ही रहेंगे, क्या हम मीटिंग के बाद कॉफी पीने जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ऑल द बेस्ट, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम यहाँ काम करती हो? गुड मॉर्निंग, पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम शिरीन है और अब मैं यहाँ काम नहीं करती। पापा कल रात घर नहीं आए। शायद कल रात चिल्ला चिल्ला कर उनके गले में दर्द हो गया हो। तुम क्या कहोगे, हाँ या ना? देखो सुहान, मैंने चायदे को प्रॉमिस किया है कि मैं पापा की साइड लूंगा। ठीक है। मिसेस मेहरीबान और बुलेंद के पास 30 शेयर्स हैं, मेरे पास 20 और सीजर के पास 5, इन टोटल 55। पापा और मेरे पास टोटल 45 हैं, तुम जीत जाओगी मुझे लगता है। आज का दिन और तारीख मैं जिंदगी भर नहीं भूलना चाहूंगी। आज का फैसला तासन कोलुदा को तबाह करके रख देगा। सपने मत देखो मॉम, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। कल जो हुआ उसके बाद सुहान अपने बाप के फेवर में कभी वोट नहीं करेगी। सरप्राइजेस के लिए तैयार है। हेलो। हेलो, मैंने सुना कि तुमने कल कोलुदाग में एक ज्वालामुखी को जगाया, क्या कोई भूकंप आने वाला है? ज्वालामुखी तो नहीं, लेकिन मुझे एक नया सोर्स मिला है। वो मीटिंग पे बताऊंगा ना। तो चलो फिर, देर किस बात की। मीटिंग के बाद मेरे घर पर डिनर रखेंगे। गुड मॉर्निंग। मैं अभी यहाँ मौजूद सबको बता रहा हूँ, मेरा जवाब ना है, मेरी कंपनी पब्लिक नहीं होगी। गुड मॉर्निंग। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम यहाँ पर हो। आपने कहा था कि सीजर आलमदार जैसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए। मुझे लगा था कि मुझसे ज्यादा आप मेरे साइडिया को सपोर्ट करेंगे मिस्टर तहसीन। पब्लिक करने से आपके ट्रेडमार्क्स नंबर 1 हो जाएंगे। इसकी बात पर ध्यान मत दो सीजर, ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये आइडिया हमारा है, क्योंकि ये बुलेंद का आइडिया है। कोई भी डिसीजन मेरे बिना नहीं लिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी? हाँ। सुहान? मुझे सिर्फ पानी चाहिए।
अगर सबका खा पी के हो गया हो तो मीटिंग शुरू करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो शुरू करते हैं, मेरा वोट क्लियर है ना? सीजर, क्या तुम हमें प्लीज जमीन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? हमें एग्जैक्टली बताओ कि चल क्या रहा है। जब मैंने पहली बार कंपनी को एग्जामिन किया था तब हम उस कंपनी के पार्टनर्स नहीं थे। मैंने पता किया कि आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। फिर पंपकिन सीड के प्रोडक्शन के आइडिया ने मुझे बहुत एक्साइट किया। सुहान का प्रोजेक्ट, बुलंद भी इसे सपोर्ट करता है। हाँ, और इस इन्वेस्टमेंट से शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बकवास मत करो, पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे। दरअसल मैंने जब ये जमीन खरीदी थी तो इसके प्रोडक्शन के लिए ही खरीदी थी, और इस तरह से इसके एसेंशियल सोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हमारे लिए अच्छा है। तो तुमने जमीन के लिए पे नहीं किया था, है ना? किया था, और उस हिसाब से आप मेरे कर्जदार हो। मुझे पता है कि काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, है ना बुलंद? और इसीलिए तुम पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, राइट? जिसको लाना है ले आओ, पूरी आर्मी लगा दो मेरे पीछे, लेकिन मैं अपने बिजनेस को पब्लिक नहीं करने वाला। तुम्हें इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तासिन? तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। अगर मुझे हर ऐरे गहरे के सवाल का जवाब देना होता तो मैं तुमसे शादी करता मेरी बान। मुझे लगता है हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब मेरे ख्याल से वोटिंग शुरू करनी चाहिए। और मुझे कोको ऑयल चाहिए, दो बॉटल। सबकी दो चाहिए? बिल्कुल, कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। क्या हुआ नील, अब तक मीटिंग चल रही है, कोई बहस तो नहीं हुई? ठीक है ठीक है, मुझे बताते रहना क्या हो रहा है, ठीक है? बाद में फोन करती हूँ, बाय बाय। मीटिंग शुरू हो गई है, आई होप सब अच्छा हो जाए। मुझे मिस्टर तासिन के लिए एक न्यूरो मस्क्यूलर ब्लॉकर चाहिए। उस दिन जब मैं उनका मसाज कर रही थी तो मैंने सोचा कि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर तासिन को न्यूरो मस्क्यूलर ब्लॉकर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो फिर मसाज ऑयल ही दे दो। उन्हें उससे एलर्जी है, क्योंकि उन्हें एस्थमा है, वो परफ्यूम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। लगता है आप इस शहर के सारे लोगों के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हैं। वो तो पता नहीं, पर मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आयशी, क्या हुआ? तुम यहाँ अपनी दवाई लेने आई थी ना? तुमने तो कहा सब खत्म हो गया है, भूल गई क्या? अरे हाँ, 5-6 बॉक्सेस नॉर्थ स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स के चाहिए प्लीज। तुम कोई ट्रीटमेंट ले रही हो क्या? नहीं, बस ऐसे। मिस अदालत कितनी इरिटेटिंग है, मैं जो भी कह रही थी उसे प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं खुद को समझती क्या है। क्योंकि वो मिस्टर तहसीन की वजह से तुमसे जलस है। क्यों, उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है क्या? काफी वक्त से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें और जलाती। चलो सुहान, तुम्हारी बारी। एडमिट। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बुलंद, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसा करोगे। बस करो मेरी बान, तुम्हारी गाड़ी छूट गई। देखो, मेरा और कोरहान का मिला के 60% है। मुझे नहीं पता कि पब्लिक को तुम क्या बताओगी। कोरहान ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है मिस्टर तहसीन। उन्हें तो पता भी नहीं है। अच्छा, बताओ। मैं एडमिट करता हूं। ये हुई ना बात। कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूं। Thank you.
कंपनी के मैनेजर को फोन करो। फाइनली तुम्हें तहसीन कोर्लुदाग से छुटकारा मिल ही गया। हाँ, गुड लक एवरीवन। चीयर्स। ओके, नए गोल्स के लिए और नई सक्सेस के लिए। मैं कोरहान के लिए। सच कह रहा हूं, तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। अजीब है, ये इतने जल्दी तो हार नहीं मानता। हमें इसका कभी पछतावा नहीं होगा। मुझे तो पछतावा हो रहा है, मैं डरा हुआ हूं। मुझे लगता है हमें उसके आने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद वो और बुलंद कहीं पर बैठ के पी रहे होंगे। हाँ हाँ, अपने नए बेटे के साथ। बुलंद इन, सीजर आउट। कौन सोच सकता था ये। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था वो ऐसा करेगा। अच्छा, मुझे निकलना चाहिए। अगर ये सोचकर जा रहे हो कि पापा आ जाएंगे तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है, वो नहीं आएंगे। काश कि वो आज नहीं आए। काश कि ये सब सपना हो और हम सब इस सपने से जल्दी उठ जाएं। आज मैं दिल से ये उम्मीद करती हूँ। मैं जमींदारों को हमारी मीटिंग के लिए बताने वाला हूँ, कोई आना चाहे तो आ सकता। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी तो बिजनेस करने में मजा आएगा। कौरहान, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? जब से तुम कोर्लुदा गए हो, हमारी लाइफ बदल गई है पूरी तरह से। मुझे ना यह जानने में इंटरेस्ट है कि कल रात को तुमने बुलंद को क्या कहा था। ऐसा क्या हुआ था, मुझे सच में जानना है। मैंने उसे रिंग वापस कर दी। ओह, तो अभी तक रिंग अपने पास रखी क्यों हुई थी? वैसे तुमने सही किया। देखो, पता है मैं बहुत खुश हूं। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ सीजा। ऐसा तुम्हें लगता है? आ गए, वो आ गए। पूरी पलटन यहां पर है। वेलकम मिस्टर तासिन। एक साथ सबकी शक्ल देखना अच्छी बात है, क्योंकि मुझे सबको एक जरूरी बात बतानी है। मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जिसकी सबको चिंता थी। तुम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगी मेहरीबान। मैं मिलाना चाहूंगा अदालत को लुदाग। शादी कर ली। मेरे पास आओ, ऐसे मत खड़ी रहो। आज से ये घर भी तुम्हारा ही घर है। चलो। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर तासिन, उम्मीद है आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू मिस आयशा। ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए, सच कह रहा हूँ मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों खुश रहो। थैंक यू, वैसे ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था। टिट फॉर टैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर तासिन। हमें इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करनी थी। वी आर रियली सॉरी। सॉरी क्यों? उल्टा इन्हें खुश होना चाहिए कि इनके पापा ने उससे शादी की जिससे उन्हें खुशी मिलती है। सही कह रहा हूँ ना? आई एम सॉरी, पर
तुम्हें मुझसे अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तुमसे उम्मीद रखने से तो मरना अच्छा है तासिन। अब आज ये सब बात मत करो, जो करना है कल कर लेना। मैं तुम लोगों से कल मिलती हूँ। See you, Mrs. Mehriban. आप हमेशा खुश रहें पापा। सोहन हमें लेट हो रहा है, निकलना चाहिए। हाँ चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? चलो मेरी शादी और तुम लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, अगर तुम लोगों के प्लान्स हैं तो कैंसिल कर दो। आई एम सो सॉरी पापा, आपके सरप्राइज की वजह से हमारे प्लान्स कैंसिल नहीं हो सकते। पापा उन दोनों को बात करने दो, वो दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। चलो सोहन चलो। शैंपेन? क्या नहीं, मिसेस रियान चलिए चलिए जल्दी कीजिए। आयशा मेरी मदद करोगी तुम? चलो 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 जल्दी चलो चलो, हम एक अच्छा सा वेडिंग डिनर तैयार करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रात है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? मुझे पता नहीं था आप मुझे इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व करेंगे। चलो जल्दी चलो, जल्दी करो चलो। सोहन रोना बंद करो। ठीक हूँ, तुम जाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। सोहन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। एक्सक्यूज मी। मैं मिस अदालत का सामान लाया हूँ। आया आया। हाँ इस तरफ। अच्छा अच्छा चलिए जी। मॉम की डेथ इसी औरत की वजह से हुई थी और वो उसे घर ले आए। देखो सोहन, देखो रोने से कोई फायदा नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे ना। अभी मेरी बात मानो, हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं। देखो गाड़ी भी वहाँ खड़ी हुई है, देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बात मानो, चलो यहाँ से, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा बस करो, चुप हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो, रो मत, जल्दी करो, क्योंकि वो अभी चिल्लाते हुए आएंगे, खाना कहाँ है खाना कहाँ है। मैं बहुत नाराज हूँ। पर ये आपका काम नहीं है, आप अपना काम कीजिए। मिसेस नूरान को ये सब देखकर कितना बुरा लग रहा होगा। मिसेस रियान ऐसा मत कीजिए, काम कीजिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लीजिए पानी पी लीजिए। आपको लगी तो नहीं ना? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे हाथ से गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। एक और है। हाँ देखो पहले इन सब पीसेस को यहाँ से उठा दो प्लीज। अब और कोई प्रॉब्लम खड़ी मत कीजिए। ठीक है मिसेस चाहिदे, चलिए जल्दी कीजिए, चलिए। हाँ ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी। मुझे पानी मिल सकता है प्लीज? ठंडा चलेगा? हाँ जरूर, आप बाहर रुकिए, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। अब ऐसे खड़े मत रहो, हमें बहुत सारा काम खत्म करना है, जल्दी करो चलो।